गाइस, कैसी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो ये वीडियो है ये है बर्गंडी हेयर कलर के बारे में कि हम अपने नेचुरली कलर हेयर कलर को जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे दे सकते हैं। सो मैंने पहली जो वीडियो थी मेरी वो जेड ब्लैक आजकल इसे जेड ब्लैक भी बोलने लगे हैं। तो मेरी वो वीडियो भी जाके देख लीजिए, उसमें आपके जो बाल हैं नेचुरली आप डार्क ब्लैक कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं, और जो हीना का प्रोसेस है वो भी इसमें बताया गया है एक अदर वीडियो में। तो लाइक नॉर्मल नेचुरल हीना कलर एंड डार्क ब्लैक ब्लैक कलर एंड दिस इज अ बर्गंडी कलर। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो ब्राउन कलर के ऊपर होगी। तो मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेड जो अपने हेयर कलर को देती रहती हूँ, तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज जो मैंने हेयर कलर किया है वो बर्गंडी टर्न करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपके बाल मेरी तरह काले हैं, मेरे इतने ज़्यादा वाइट बाल नहीं है, पर मैं आपको डिफरेंस दिखा दिया है इस वीडियो में, अभी आप देख लेना कि मैंने पहले दिखाया कि मेरे बाल कहाँ से वाइट हैं, और वो उसको कलर उन बालों को जो है आप इजीली देख सकते हैं कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ रिजल्ट। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक रेड बटन होगा इस साइड, उसको दबाइएगा, विच इज सब्सक्राइब बटन, एंड देन एक बेल आइकन शो होगा, उसको प्लीज दबाना मत भूलिएगा। और मेरी दूसरी वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें है डिफरेंट कलर्स, आप हीना से कैसे कैसे कलर कर सकते हैं अपने हेयर्स। एक है जेड ब्लैक, एक है हीना कलर, और दिस इज द बर्गंडी कलर। और अगर मेरी फर्दर जो वीडियो है उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस हाउ टू डू इट। उससे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाने लगी हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेरे सेंटर पार्टीशन है पहले वो वाइट थे, और अब यहाँ पर क्लियरली जो मेरे बालों का कलर है आपको दिख रहा होगा बर्गंडी कलर हो चुका है। मेरे बाल नेचुरली ब्लैक हैं तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट जिसके हेयर वाइट हैं या फिर जिसके हेयर ब्राउन कलर के हैं उनको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। तो डिफरेंस आपको क्लियरली शो हो ही रहा होगा यहाँ पर। तो या मेरे बाल थोड़े बर्गंडी कलर हो गए, इसमें धूप में जब आप सनलाइट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा अच्छे से। गाइस वीडियो स्किप मत करना, इसमें बहुत सारी मैंने टिप्स भी बताई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो बालों का कलर है बर्गंडी में चेंज हो गया है। तो दिस इज द वे, अगर आप इसे हर हफ्ते ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके जो सारे बाल है वो बर्गंडी कलर के शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे नेचुरली बाल जो है 70-80% तो काले ही हैं, तो जो बीच में थे मैंने आपको दिखा दिया कि उनका कलर चेंज हुआ है 100% गारंटी के साथ उनका कलर चेंज हुआ है। तो मैंने विद रिजल्ट आपको दिखाया है कि पहले कैसे थे बिल्कुल वाइट जो मेरे बाल थे वो जो है बर्गंडी कलर में टर्न हो गए थे। सो मैंने आपको लाइव रिजल्ट दिखाया, विच इज़ वेरी ट्रू। मैं फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ, विच इज़ वेरी ट्रू। जो होगा मैं आपको लाइव शो कर देती हूँ, चाहे मेरा कलर टर्न ना भी हो तब भी मैं आपको रिजल्ट शो करूंगी कि वो वर्क करती है चीज़ के नहीं करती है। तो आप अब मैं क्या कर रहा है, मैंने जो प्रोसेस फॉलो करा है उसके बाद मैं ये हेयर ऑयल लगा लूंगी। ये जो हेयर ऑयल मैंने बनाया है इट्स अ नेचुरल वे टू मेक द ऑयल, टू मेक योर हेयर लाइक लॉन्ग थिक, आपके बाल घने हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे और हेयर फॉल जो है ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने घर पे बनाया है, तो आप इसी की रेसिपी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगी, सारे जो कलर्स हैं और इस तेल की भी इस ऑयल की मिल जाएगी आपको रेसिपी। तो इसको मैं क्या करूँगी, अभी मैं आज मैंने अपने बाल शैम्पू कर लिए, थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू लिया मैंने, ज़्यादा शैम्पू नहीं लिया है। उसके बाद मैंने वॉश कर लिया अपने हेयर। अब मैं इस ऑयल से अपनी जो है ऑयलिंग करके और अपनी जो चोटी है ब्रेड करके मैं रात को सो जाऊंगी, जिससे मेरे बाल जो है ना तो उलझेंगे आपस में और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इसके बाद जो इसका कलर होगा वो इतना सुंदर निकल के आएगा 2 दिन बाद, आप देखते रहना कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं कुछ बनाऊंगी तो आप मेरे ना ऑब्जर्व करते रहना कि मेरा कलर कैसा चल रहा है अभी। तो हेयर का मैं कलर ऐसे ही चेंज करते रहती हूँ, कभी आपको मेरा बर्गंडी मिलेगा, कभी आपको मेरा काला मिलेगा। तो मैं इस तरह से हीना से चेंज करती हूँ, मैं अपने बालों को डैमेज नहीं करती हूँ। अभी तक भी मेरे बाल 80%, मुझे एक दो बाल स्टार्ट हुए थे 3 साल पहले और अभी तक मैं जस्ट आई थिंक ज़्यादा बालों पर वाइट पर नहीं पहुँच चुकी थी, विच इज़ द सेंटर पार्टीशन, और एक दो इधर हैं। तो मैंने आपको रिजल्ट लाइव दिखा दिया है उसका सारा का, तो आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड के साथ। प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो आगे जाके गिवअवे भी आने वाला है जल्दी से, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि आप गिवअवे में पार्टिसिपेट कर सकें और मैं ऐसी वीडियो और बना सकूँ। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट डाउन बिलो, और आप डायरेक्ट मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और नीचे कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ से पढ़ लूँगी। और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं टिकटॉक का लिंक दे देती हूँ, तो टिकटॉक पर भी जाके मेरी वीडियोज आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी एंड लेट्स बिगिन।
तो यहाँ पर हम एक लोहे की छोटी बाउल और कढ़ाई जो भी कह सकते हैं आप ले सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से मैंने लिया हुआ है मैं इसी को यूज़ करती हूँ ऑलवेज। इसमें अब हम आंवला और रीठा और शिकाकाई जो है ये ले सकते हैं आप, पाउडर इसकी जगह पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है। मुझे ये ड्राई जो है इसका ये जो वर्जन है ये बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करना, बिकॉज़ ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। पाउडर जो है उसमें थोड़ा सा केमिकल इंक्लूड हो सकता है, बट आप इस तरह से बाय करेंगे तो विच इज़ वेरी गुड। इसको मैं जो है पानी डाल के जो है ओवरनाइट सोक करने वाली हूँ। तो देखिए इसमें मैंने आंवला रीठा और शिकाकाई ले लिया है जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए। देखिए मैंने साफ़ करके इसमें पानी डाल दिया है, इसको मैं ओवरनाइट के लिए अब सोक करने वाली हूँ, इसको इस तरह से छोड़ने वाली हूँ। मॉर्निंग में हम इसे अब यूज़ करेंगे अपनी हीना के लिए, सो लीव इट ओवरनाइट। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसने कितना कलर चेंज कर लिया है, थोड़ा ब्लैक में दिख रहा होगा आपको ये कलर। तो अभी हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, इसी से हम अपनी हीना को है डिप करेंगे। आंवला रीठा शिकाकाई के गुणों के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हमारे जो है हेयर फॉल में हेल्प करता है और इससे बालों की ग्रोथ जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने नेहा रशनी हर्बल मेहंदी ले ली है, आप कोई भी हर्बल मेहंदी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाली मेहंदी जो बहुत पसंद है, नूपुर की भी मैंने सुना है बहुत अच्छी मेहंदी है, मैंने यूज़ नहीं की, बट अगर आप कोई और मेहंदी यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने हेयर की लेंथ के हिसाब से अपने लिए हीना ले ली है। अब इसे जो है मैं वो पानी आंवला रीठा शिकाकाई का जो पानी बनाया था वो मैं डाल लूँगी और इस मिक्सचर को हम ओवरनाइट अगेन रखने वाले हैं। तो पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आपको इसे बिल्कुल लिक्विडी कंसिस्टेंसी में नहीं रखना है, आपको थोड़े से गाढ़ा रखना है। इसका जो ये क्यों कर रहे हैं हम, मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग बताऊँगी, लेकिन इसे अभी आपको सिर्फ इतनी ही टेक्सचर में आपको जो है इसे डिप करके रखना है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ मत करना, इसे लिक्विड बिल्कुल नहीं बनाना, इसको थोड़ा ऐसे ही थिक पेस्ट में रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है हम देखिए एक बीट रूट ले रहे हैं। बीट रूट में पोटेशियम होता है जो हमारे हेयर फॉल को रोकता है, ये हमारी हेयर लेंथ में और हेयर फॉल में दोनों में हेल्प करता है, दिस विच इज़ अ वेरी गुड फॉर आवर हेयर एंड इट इज़ गुड फॉर ईटिंग एज वेल। तो ये देखिए हमने बीट रूट यहाँ ले लिया है, इसके पीसेस कर लिए हैं और अब इसे हम ग्राइंड करने जा रहे हैं मिक्सी जार में। तो इसमें थोड़ा सा ना मैं ग्राइंड करते वक्त पानी मिला लूँगी जिससे कि हमें अच्छा खासा इसका जो है जूस निकल सके। जूस हमें इसका जूस जो है अपनी हीना में यूज़ करना है। जी हाँ, इससे हमें बरगंडी कलर में टर्न होने वाले हैं हेयर, स्टे ट्यून्ड। ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव फॉर्मूला है अपने कलर अपने हेयर का चेंज कलर चेंज करने के लिए और अपने बालों को ना डैमेज करने के लिए। सो इससे आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे। सो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करिए जो आपके बालों में जो हेल्प भी करे ग्रो करने में और आपका हेयर फॉल भी स्टॉप करे, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। लुक एट दिस, कितना अच्छे तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। तो हम अब इसका जो है जूस जो है स्वीज आउट करेंगे। मैं इसको स्वीज करना पसंद करती हूँ ताकि अच्छे इसका जो भी जूस है इसके अंदर वो निकल जाए। आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं, आप छलनी की हेल्प लेके उसको स्ट्रेन भी कर लीजिएगा अगर आप ये तरीका नहीं चाहते। सो यू कैन सी द कलर कितना अच्छा लग रहा है, अभी हैंड पे ही देख लीजिए, ये 100% वर्क करता है, अभी आप देख लीजिएगा। और ये देखिए कितना सुंदर कलर निकल के आया है जूस का। तो अब इस जूस को हम स्ट्रेट वे डालेंगे अपनी हीना में। सो देखिए हमारी हीना जो थिक थी अब इससे वो थोड़ी लिक्विडी हो जाएगी ताकि हमारे बालों पे लगाने के लायक रह जाए, बट इसको भी हम ओवरनाइट रखने वाले हैं। जी हाँ, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट इट्स वेरी 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 नाइस एंड वेरी वेरी क्विक एज वेल टू टर्न योर चेंज इनटू अ डिफरेंट कलर। तो ये देखिए बरगंडी कलर के लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कितना अच्छा लग रहा है देखिए इसको मिक्स करने के बाद। अब इसे हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है लगा लेंगे अपने हेयर पे। तो देयर इज़ अ एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन अब देख लीजिएगा कैसे लगानी है। जैसे मैं अपने मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो मैं अपने हिसाब से इस तरह से लगाती हूँ। और ये जो कैप मैंने बनाई है इसे मैं आफ्टरवर्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपका शावर कैप है तो गुड, नहीं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं या ग्लव्स लेके, ग्लव्स डालें मस्ट है वरना आपके हाथों पर चढ़ जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर कि मैं स्टार्ट करने से पहले मेरे जो वाइट हेयर हैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी मैं आफ्टरवर्ड्स।
तो गाइज़ यहाँ देखिए, मैं जो है अपनी एप्लीकेशन कर ही रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बालों का कलर इसी तरह से चेंज करना चाहते हैं तो जब हमारे जो रूट्स हैं वो वाइट हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने बालों का, जैसे कई लोगों को रेड कलर, ऑरेंज कलर ही ना अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो पसंद नहीं है, तो आप ऐसे बरगंडी कलर टचअप दे सकते हैं। आप ब्लैक, जेड ब्लैक जो मेरी दूसरी वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, उससे आपके बिल्कुल डार्क रूट्स हो जाएंगे। तो यह दिस इज़ अ क्विक प्रोसेस, और लेकिन आपको ये है कि थोड़ा बरगंडी कलर के लिए थोड़ा सा ये है हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये रिजल्ट दिखाता है लॉन्ग टर्म के लिए। और आपको ये जो मार्केट में मिलते हैं केमिकल्स, ये आपको यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो कलर्स हैं आपके बालों को डैमेज ही करते हैं, आपके बाल ही नहीं बचेंगे अगर इस तरह से आप इनको यूज़ करते रहे। तो मेरी जो वीडियोज़ हैं आप देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मुलाज मिलते रहेंगे। तो अभी मेरी हेयर केयर सीरीज चल रही है, आई होप यू लाइक इट, एन्जॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। और ये देखिए, अगर आपके जो मैंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मुझे मेरे जो रूट्स हैं मुझे वो टचअप करने की वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड विद द वीडियोस, इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालो तो आपको मिलती रहे और आपको इससे बेनिफिट हो सके। ये जो है फुल एप्लीकेशन प्रोसेस है कि अपने बालों पे हम हीना कैसे लगा सकते हैं। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको एक मिरर चाहिए सामने और अपने हाथों से, ग्लव से, आप ब्रश से अपने आप लगा सकते हैं। इट्स नॉट वेरी हार्ड थिंग। हाँ, थोड़ा जब दूसरे लगाते हैं थोड़ा ईजी हो जाता है, बट आप अपने आप भी लगा सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं होती है। तो ये एक स्टाइल है लगाने का। और दूसरा जो स्टाइल अगर आप चाहते हैं मैं आपको वो भी शो करूँ तो मुझे कमेंट डाउन बिलो, तो आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी कि दूसरे तरीके से एक और इजी टेक्निक है, उससे भी आप अपने बालों पे कैसे हीना वगैरह लगा सकते हैं। देखिए जो मेरी हीना की एप्लीकेशन है वो अबाउट टू फिनिश है, अभी फिनिश होने वाली है। तो मैंने जो कैप बनाई थी वो मैं अपने हेयर पर लगा लूँगी ताकि मेरे जो हीना है वो ड्राई ना करे बालों को। और इसको मैं रखने वाली हूँ कम से कम 3 आवर्स के लिए। यस, आप 3 आवर्स के लिए ज़रूर रखिएगा अच्छे रिजल्ट के लिए। तो अभी देखते हैं आफ्टर वॉश कैसा रहता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी रेसिपी। और ये जो नुस्खा है ये मेरी ग्रैंड मदर के नुस्खे हैं, मैं आपके शेयर करती रहती हूँ। उनके बाल टिल एज ऑफ 80 काफ़ी लंबे, काले, घने बाल थे टिल शी एक्सपायर। तो उनकी ही रेसिपी जो है मैं आपका फॉलो करती रहती हूँ। ये है वेल टेस्टेड रेसिपीज हैं, नुस्खे हैं उनके, और ये मेरे बालों पर काम करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने सोचा मैं आप लोगों का क्यों ना शेयर करूँ, तो यह मैं इसलिए आपका शेयर करने लगी हूँ यूट्यूब पे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं से अपनी जो है घर की जो नुस्खे होते हैं हमारे बुजुर्गों के वो शेयर कर सकूँ। जैसे आपके पास भी कुछ हो तो कमेंट डाउन करना ताकि मैं उनको भी ट्राई करूँ। बाकी जो कुछ भी रिजल्ट मिले तो प्लीज़ बैक टू माई वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने ये चीज़ ट्राई की है और इसका रिजल्ट मुझे मिला है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग ये ट्राई भी करते हैं और आपको इसका रिजल्ट मिला भी है। तो एकदम से देसी नुस्खों का जो है रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको वीकली, लाइक मंथली, कई मंथ तक ट्राई करना पड़ता है, उसके बाद आपको अपने बालों में खुद डिफरेंस नजर आएगा। और मैं भी, अब मेरे बाल बहुत छोटे थे, मैं एक यहाँ पिक्चर लगा दूंगी आप देख सकते हैं, ये लाइक करीबन 8-9 महीने पहले मेरे बाल इतने छोटे थे। तो अभी मेरे बाल की लेंथ भी मैंने जो वीडियो है सारी बना रखी है। आप मेरी जो सारी वीडियो मेरे चैनल पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, वहाँ आपको मेरी सारी वीडियो जो है शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपने बालों को लाइक मैं ग्रो करती हूँ, उनको उनकी उनके केयर करती हूँ, उनकी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। तो लाइक हेयर भी हमारी जो है बॉडी का एक अच्छा पार्ट है जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी गेन होती है। कई लोगों के बाल तो झड़ने लग जाते हैं बहुत अर्ली एज में, तो ये सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको मेरी जो वीडियो है वॉच करनी पड़ेगी। अभी मेरी हेयर केयर सीरीज चल रही है, जल्दी मैं स्किन पर भी लेके आऊँगी और मेकअप वीडियो मेरी बीच में आती रहती है बिकॉज आई लव टू डू मेकअप। तो या स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।